फ्रेंड्स को भी स्वीट फोटो के लिए लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ तो चालू है म्यूजिक वगैरह। तो फाइनली ये है ना बढ़िया जगह, इतना सारा चेरी ब्लॉसम लेफ्ट पे राइट पे। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में भी सिमिलर होगा, ये फ्री में इतना अच्छा है। जो जहाँ हमने $18 दिए थे वो क्या ही था। थिंक वहाँ पीछे मेरे ब्रिज है पोर्टलैंड का, एंड यहाँ पे चेरी ब्लॉसम ट्रीज। और इस पार्क का नाम है टॉम मैकेल वाटर फ्रंट पार्क। पीछे मेरे ये लेक है एंड यहाँ पे चेरी ब्लॉसम। यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का ट्राई करता हूँ, प्लीज कमेंट करके बताना ड्रोन शॉट्स कैसे लगे। बोट भी चल रही है, चलो बोट की टिकट मिल सकती है। को भी स्वीट फोटो के लिए लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अमन इज गोइंग टू क्लाइम द ट्री। क्या हाँ पकड़ ये वाली पकड़, ये वाली ब्रांच पकड़, यहाँ पे रखना पड़ेगा ब्रो तेरे को। एक पैर तो ऐसे रखना। Come on, bro. Yeah, you did. कुछ तो अतरंगी खेल खेल रहे हैं लोग। वेडिंग फोटो शूट के लिए भी आए लोग। बाप रे डस्टबिन इतना भर दिया यहाँ पे। क्या सही लग रहा है यहाँ पे चलते हुए ना, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही हेवनली फीलिंग। पिछले साल भी आया था चेरी ब्लॉसम पर मैं गया नहीं था, बट इस साल ओरेगॉन में गया। अभी मैं वाशिंगटन में भी जाऊंगा जब यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन जाऊंगा। यहाँ पे कुछ तो चालू है म्यूजिक वगैरह। तो ये इतना ऑसम नहीं है जितना यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में। जब वहाँ जाऊंगा ना तो वहाँ का भी एक शॉट डाल दूंगा ताकि आप लोग डिफरेंस देख पाओ ये वाला चेरी ब्लॉसम और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में कैसा है। क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ ऐसे पेड़ हैं, यहाँ पे सिर्फ इस लाइन में है, तो इतना मे बी अमेजिंग है। बट वो ये अमेजिंग है बट वो और ज़्यादा अमेजिंग है। तो एक शॉट मैं उसका भी डाल दूंगा। वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं करूँगा क्योंकि इतना अलग से एक यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन का व्लॉग बनाऊँगा कभी। प्लीज़ कॉमेंट करके बताना अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन का अलग से एक ब्लॉग चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या बिल्डिंग्स हैं। मैं किसी स्टूडेंट के साथ ही जाऊंगा, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ वहाँ पे, कि स्टूडेंट जो मेरे को टूर करा सके यूनिवर्सिटी के अंदर जा के भी बिल्डिंग से। तो यहीं पे आ गए तो यहाँ पे सैटरडे मार्केट लगी हुई है आज, और यहाँ ऐसी भीड़ है जैसे फ्ली मार्केट में होती है। आई थिंक यहाँ पे सब सामान मिलेगा छोटा बड़ा, हैंडमेड इन पोर्टलैंड। $85 का यार, मैंने $60 का वो लिया है टॉमी का पर्स अभी। ये क्या पेंटिंग्स कलेक्शन ऑफ वॉचेस, और क्या क्या है यहाँ पे पिलोज, सिर्फ पिलोज की शॉप। कितने क्यों है क्या है ये $75 का भी है ये वाला क्या है पता नहीं क्या है ये ऐसा पेंटिंग वाला पाइक प्लेस पे भी देखा था। काफी सही आई लाइक इट। ये बंदा लाइव बन रहा है, ये गुड पेंटिंग वाली तो क्या सही पेंटिंग है कि जो भी है। हैंडमेड कैंडल्स हैं इधर, $35 ये
$25 की एक टी-शर्ट। दूसरी दुकान कानवाली वाली है मेरे को। कानवाली वाली लड़कियों के लिए पैंट तो मैं भी लूँ। फाइनली कुछ अलग स्टेनलेस स्टील ग्लासेस हैं शायद $20 का एक, और ये नीचे वाला $15 का। ये दारू रखने के लिए है $20 का ले ले तू। ऐसे बीच रास्ते में अरे बेस्ट टेस्ट ऑफ इंडिया। चल ये क्या शोपीस है और क्या। ये थैलो की दुकान पहली बार देखी मैंने सिर्फ खाते फैंसी हो। $45 का बोला था ना। ये क्या है आयरन बैग्स ग्लव्स। आई थिंक ग्रुप डे मतलब सिमिलर आइटम्स जो है ना वो जैसे वो वहाँ पे ऑर्नामेंट्स वाली थी वो सारी कटी थी। अब ये पेंटिंग्स वाली कटी थी फर्क काफी दिया है। ये पीपी ज्वेलर का ये बढ़िया ये घर पे हो तो मजा आ जाए। अरे ये सामने वाला देख क्या है। ओ ये कार्ड्स हैं इसके पीछे ओरेगन कोस्ट का चप्पा चप्पा है। पोर्टलैंड बियर ट्रे तो यहाँ तक खत्म हो गई सैटरडे मार्केट। इतनी ज्यादा वैरायटी तो नहीं थी एक ही तरह की दुकानें बहुत सारी थी तो वैरायटी क्या ही होगी। काठमांडू बैठ गया एशियन क्यूजीन बहुत ज़्यादा। नेपाली चाय टूर ऑफ एशिया चिकन डिलीशियस इंडियन फूड टाइप इंडिया नहीं है। ये प्लेट में दाल चावल देख रहा मेरे को ये मेरे को वैसे अच्छा नहीं लग रहा अच्छी नहीं लग रही तो वैसे देख के दाल और रेट क्या है। समोसा देख रहा है $7 के समोसा चाट $10 का नॉर्मल रेस्टोरेंट से भी महंगा। अरे कुछ नहीं वो जो स्टोन्स थे वो बता रहा है कि वो नेशनल पार्क से येलो स्टोन से कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाया हुआ है। मैं वो ट्रेल पे क्या था कि मैं फिर से जा रहा हूँ एक ट्रेल पे तो वहाँ से उठा के वो वाला दो जो है वो येलो स्टोन हाँ वहाँ क्या बेच रहा है अभी कह रहा है मैं दोबारा जाऊँगा तो और लेके आऊँगा। बढ़िया यार लेके आओ फ्री में और यहाँ पे इसको वो ये बढ़िया हाँ हाँ लोग मज़े कर रहे हैं और ये जॉगिंग कर रहा है। तो सैटरडे मार्केट से निकल गए इतनी थी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। अभी वापस जाते हैं या तो खाने जाएंगे या गिफ्ट शॉप जाएंगे देखते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ ये क्या है बंदा ये बढ़िया यार ये तो बच्चों को डरा रहा है। ये वापस उसी ब्रिज वाली लोकेशन पे आ गए जहाँ पे गाड़ी पार्क करी थी काफ़ी सही है। यहाँ पे अभी जेट्स की चला रहा था कोई अभी वो बोट चल रही है दिख रही है कि नहीं ये रही यहाँ पे जेट्स की भी चल रही थी एक। तो आई थिंक वीडियो को इधर तक ही रख लेना एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब।